हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं बात करने वाला हूँ पाक्षिक असाइनमेंट क्रमांक 6 महानवंबर कक्षा 11वीं विषय हिंदी का उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला है गजल की विधा को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ख दुष्यंत कुमार को जाता है। गाता कल्प कहते हैं मृतकों की स्मृति चिन्ह को गाता कल्प कहते हैं। रजनी पाठ है पटकथा। चंद्रमल्लिका अर्जुन का अर्थ होता है भगवान शिव। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, इनमें अलंकार है विरोधाभास। लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती है इंद्रियां। गजल में सभी शेर पूर्ण एवं स्वतंत्र होते हैं। पांव से पेट ढकना में बिंब है दृश्य बिंब। बस्तर के वनवासी चुप क्यों रहते हैं? तो बस्तर निवासी मोरिया सादगी पसंद तथा सरल स्वभाव के हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या संवाद की है, ना तो वह किसी की भाषा को समझते। हर समय उन्हें डर लगा रहता था कि उनकी बातचीत से कोई नाराज ना हो जाए, उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वह अपने गांव खेत वन के सौंदर्य को छोड़कर नहीं जा सकते, स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते, अतः बस्तर के वनवासी चुप रहते हैं। कभी पलायन करना क्यों चाहते हैं? तो गजल कविता में कवि उम्र बन के लिए पलायन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के नागरिक को हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कवि के अनुसार चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला है, इसलिए वह भ्रष्टाचार से भरी इसको व्यवस्था से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता था। इस कारण कवि उम्र भर के लिए पलायन करना चाहता है। अमित की मम्मी ने उसे ट्यूशन गणित की ट्यूशन क्यों नहीं लेने दिया? तो अमित की माँ ने अमित को गणित की ट्यूशन के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वह गणित में होशियार था। दूसरे उसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि अंग्रेजी के साथ साथ गणित का ट्यूशन का खर्चा उठा सके। क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? तो हाँ, अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है क्योंकि दोनों में पर्याप्त समानता है। दोनों ईश्वर भक्ति में सर्वस्व त्याग पर बल देती है और अपने जीवन में इसका पालन करती है। महादेवी ने तो वस्त्र तक उतार फेंके, दोनों कवित्री विवाह के बंधन में देर तक बंध कर ना रह सकी। हाँ, यह अंतर है कि मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति और अक्क महादेवी की भक्ति शिव के प्रति है। दोनों में पूर्ण समर्पण भाव है। उनके बाद इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण उपस्थित है। यहाँ पर उनकी कुछ विशेषताएं हैं, पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट डाउन कर लेना इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अब देखते हैं सातवां प्रश्न, वार्षिक परीक्षा की कॉपियां न दिखाने के पीछे क्या तर्क है? क्या उससे सहमत है? तो हेडमास्टर महोदय ने वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियां न दिखाने के पीछे मात्र तर्क देते हुए कहते हैं कि ऐसे करने से लड़कों तथा तो उनके अभिभावकों की भूल लग जाएगी, उन्हें निपटाना एक झंझट हो जाएगा। मैं हेडमास्टर के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। एक झंझट से बचने के लिए किसी के भविष्य को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। इस नियम से भ्रष्ट अध्यापकों की चांदी हो जाएगी, वे मनमानी करेंगे तथा कॉपियाँ जांचने में लापरवाही बरतेंगे। इस प्रकार योग्य छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस नियम से भ्रष्ट अध्यापकों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जनसंचार के प्रमुख माध्यम आपको बताने समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। उसके बाद आपका रेडियो का टॉपिक्स लिखना है, रेडियो में क्या क्या है तो ध्वनि तरंगों के जरिए या देश के कोने कोने तक पहुंचता है। टेलीविज़न के बारे में बताना है आपको, तो रेडियो ध्वनियों के साथ साथ जब टेलीविज़न दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता और कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद सिनेमा जगत के बारे में बता देना है। उसके बाद लास्ट इसमें आपको इंटरनेट के बारे में लिखना है, इंटरनेट क्या होता है, इसके प्रीवियस टॉपिक्स में भी लिखे थे। इंटरनेट जनसंचार का नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय माध्यम है, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, ये सारा टॉपिक्स बता सकते हैं।
उसके अलावा रजनी की विशेषताएं बताए तो ये रजनी वाला भी बता सकते हो। तो किसी एक टॉपिक्स के ऊपर लिखना है, रजनी इस पाठ की नायिका है, उसके चरित्र का सबसे बड़ा गुण है संघर्षशीलता, वह अन्याय के विरुद्ध टक्कर लेने में कुशल है, वह निर्भय बेबाक तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण महिला है, वह सत्य के लिए किसी से भी टकराने की हिम्मत रखती है, उसमें लोगों को इकट्ठा करने तथा अपनी बातों को प्रभावित करने की विचित्र शक्ति है, वह सच्ची नायिका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।